गवर्नमेंट अपने ऑटो और टैक्सीज के लिए एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है। हमें गिवन टेबल में डिस्टेंस ट्रेवल और अमाउंट पेड दोनों ही चीजें गिवन है। सिचुएशन नंबर वन में सिटी ए का चार्ज पेड है ₹75 फॉर 10 किलोमीटर और ₹110 चार्ज पेड है फॉर 15 किलोमीटर। सिचुएशन टू के भी चार्जेस हमें गिवन है ₹91 पेड फॉर 8 किलोमीटर एंड ₹145 पेड फॉर 14 किलोमीटर। सिचुएशन नंबर वन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हमें फिक्स्ड प्राइस को एक्स लेना है और रनिंग चार्जेस को वाई। तो अपनी टेबल की हेल्प से सबसे पहले फिक्स्ड प्राइस लेंगे एक्स, 10 को करना पड़ेगा वाई से मल्टीप्लाई क्योंकि वाई हमारा रनिंग चार्ज है और इन दोनों का एडिशन हमें मिलेगा 75। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 75। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक्स प्लस 15 इंटू वाई इक्वल्स टू 110 और ये दोनों ही आंसर मुझे बी में मिल रहे हैं, तो बी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, तो उसका मुझे अमाउंट निकालना है। वो इक्वेशन जो अभी क्वेश्चन नंबर वन में क्रिएट करिए, उन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा जिससे मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स और करेक्ट वैल्यू ऑफ वाई मिल जाएगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस 10y इक्वल्स टू 75 और x प्लस 15y इक्वल्स टू 110। हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी मेथड को यूज करके अपना x और y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम यूजिंग हियर एलिमिनेशन मेथड, जिसके लिए मुझे सबसे पहले साइन चेंज करने होंगे। ये x x से कट जाएगा, माइनस 15 में से 10y जाएगा तो बचेगा माइनस 5y, 110 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 35, y को एज इट इज छोड़ेंगे, 5 को माइनस 35 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव साइन से नेगेटिव को कट, 5 वन 5, 5 सेवन 35 और यहां से मुझे मिल गई y की वैल्यू 7। अब इस y की वैल्यू 7 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके कि मैं अपनी x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू पुट कर रही हूँ जिससे बना x प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 75, x प्लस 70 इक्वल्स टू 75, 70 ट्रांसपोज होगा और मुझे मिलेगा 75 माइनस 70 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। गिवन क्वेश्चन में मुझे 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्रिएट करेंगे। हमारी इक्वेशन सबसे पहले क्रिएट होगी x प्लस 15 इंटू y, मेरी x की वैल्यू है 5 इसे पुट करेंगे और y की वैल्यू है 7 इसे भी पुट करेंगे। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा 350, उसमें 5 ऐड होगा तो फाइनली आई गॉट द आंसर ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 355। अब इसी तरह सिचुएशन नंबर टू की दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। सिचुएशन नंबर टू में आपकी पहली लीनियर इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 91 और दूसरी बनेगी एक्स प्लस 14y इक्वल्स टू 145। इन दोनों ही इक्वेशंस को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले साइन चेंज, x और x कट जाएगा क्योंकि एक x प्लस का है एक माइनस का, 14 और 8 माइनस होंगे क्योंकि माइनस का 14 है और प्लस का 8 तो हमें मिलेगा 6y नेगेटिव और यहां से मुझे मिलेगा माइनस 54। सबसे पहले y की वैल्यू लिखेंगे 54/6 क्योंकि नेगेटिव दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें पता है 6 9 54, तो हमारे पास आ गई y की वैल्यू जिसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने अपनी y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा और ये इक्वेशन बन गई x प्लस 8 इंटू 9 इक्वल्स टू 91। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव 72 बन जाएगा नेगेटिव 72।
और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 19। अब इन दोनों इक्वेशन से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 30 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा, इसके लिए इक्वेशन बनेगी x प्लस 30y। इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, बॉड मास का रूल लगाते हुए पहले 30 इंटू 9 करेंगे 270 और उसके साथ x की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 289। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बना बी रुपीज 289। अब आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ग्राफ चूज करना है। अगर मैं थर्ड ग्राफ को ध्यान से देखूं तो मेरे दोनों सॉल्यूशन 19 और 9 और दूसरी इक्वेशन में हमारे सॉल्यूशन निकले थे 5.7, तो दोनों ही मुझे इस ग्राफ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में एक नए केस स्टडी क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे।